दो सेंटेंस ऐसे आपको दिखाई दे रहे हो जिसमें एक का एक सेंटेंस में आपको असमर्थता दिखाई दी जा रही हो, तो असमर्थता सूचक वाक्य की वर्ब को हम लोग इन्फिनिटिव में बदल लेंगे, लेकिन उसके पहले जो सेंटेंस आएगा उसमें हम लोगों को वेरी दिखाई देगा, उस वेरी को हम लोग हटा देंगे और वहां पे टू का प्रयोग कर देंगे, ये टू का प्रयोग कर देंगे और दूसरे वाक्य की असमर्थता सूचक जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में से सबको हटा के उसकी वर्ब को इन्फिनिटिव बना के सेंटेंस को हम लोग जोड़ लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सलेंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने दो टॉपिक आपके लिए क्लियर कर दिए, जिसमें आपको पार्टिसिपल का यूज मैंने पूरी तरह से बता दिया है और उसके बाद उसका हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज बता दिया है। अब हम चलेंगे आज इन्फिनिटिव के यूज की तरफ और देखेंगे कि इन्फिनिटिव का यूज हम लोग सिंथेसिस में किस प्रकार से करते हैं और कैसे सेंटेंस में इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं इन्फिनिटिव का यूज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, इन्फिनिटिव हम लोग उस वर्ड्स को कहते हैं जिनमें वर्ब के साथ हम लोगों को टू लगा हुआ मिल जाए। टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मिल रही है हम लोगों को तो वहां पे वो शब्द हमें इन्फिनिटिव के रूप में मिलेगा। क्लियर कि इन्फिनिटिव जहां मिलेगा, जैसे हो गया हमारे पास टू रीड, टू प्ले, टू जंप, टू गो, टू रन, यानी कि जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा के अगर रख दिया जाए तो वो वर्ब हमारी इन्फिनिटिव फॉर्म में होगी। क्लियर। और इन्फिनिटिव फॉर्म का प्रयोग जो हम लोगों को होता है वो उद्देश्य, इच्छा, ये सारे सब इस प्रकार के वाक्यों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अर्थात इन्फिनिटिव हमें अधिकतर इंपरेटिव सेंटेंस में देखने को मिलती है। क्लियर। तो चलिए इसे आपके लिए मैं लिख देता हूं। तो ये हमारा इन्फिनिटिव का इंट्रोडक्शन, यानी इन्फिनिटिव हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से प्राप्त होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जैसा भी हमने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि हम टू लगा देते हैं तो वो वर्ब हमें इन्फिनिटिव के रूप में मिल जाती है। और दूसरा परिचय यह है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग उद्देश्य, इच्छा, सामर्थ्य और असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है। ये इन्फिनिटिव हमें इंपरेटिव सेंटेंस में अधिकतर देखने को मिलती है। यह कारण परिणाम सूचक वाक्यों को जोड़ता है, मतलब ये ऐसे दो वाक्यों को जोड़ता है जिसमें एक में हमारे पास उस कार्य को करने का कारण हो और दूसरे में उस कार्य को करने के कारण उससे होने वाले परिणाम की व्याख्या हो। यह उन दोनों वाक्यों को जोड़ता है जिसमें कारण परिणाम हो। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। उसके बाद था आई वॉन्टेड टू गेट अ जॉब। ये देखिए कि ये है इसका कारण, मतलब ये दिल्ली गया और दिल्ली जाने का क्या मतलब, ये परिणाम था, ये कारण था। ये कारण परिणाम सूचक वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। क्लियर। तो उम्मीद है कि ये इंट्रोडक्शन आपको इन्फिनिटिव का समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके सिंथेसिस में किस प्रकार से यूज किया जाते हैं ये हम अगली स्लाइड से सीखना शुरू करेंगे। तो जब भी दो सेंटेंस आपको मिले और दोनों सेंटेंस को आपको इन्फिनिटिव से जोड़ना हो तो देखिए कि दो सेंटेंस आपको ऐसे मिल रहे होंगे जिसमें एक में, एक सेंटेंस में आपको पहले दूसरे वाले सेंटेंस के कार्य के होने का उद्देश्य बताया जा रहा होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस सेंटेंस में उद्देश्य बताया जा रहा हो उसी सेंटेंस के वर्ब में हमें टू लगाना होगा, यानी उसी सेंटेंस की वर्ब को हमें इन्फिनिटिव में चेंज करना होगा। क्लियर। तो यहां पे देखिए कि इसको मैंने लिख दिया कि जो क्रिया उद्देश्य प्रकट करे उसी वर्ब को, यानी उसी क्रिया को हम लोग इन्फिनिटिव में चेंज करते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास एक सेंटेंस, हमने एग्जांपल ले लिया कि आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग और इट गार्ड्स माय हाउस। मैं देखिए आपके सामने दो सेंटेंस आ रहे हैं, एक सेंटेंस आई हैव ए डॉग, दूसरा है इट गार्ड्स माय हाउस। तो यहां पे देखिए कौन सा सेंटेंस हमें उद्देश्य प्रकट कर रहा है, कौन से सेंटेंस में हम लोगों को उद्देश्य दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए कि आपको ये सेंटेंस इट गार्ड्स माय हाउस ये आपको परिणाम बता रहा है। तो इसी की वर्ब को हम लोग इन्फिनिटिव में बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस सेंटेंस को सेम टू सेम रख देंगे। जैसे आई हैव अ डॉग टू गार्ड माय हाउस। क्लियर कि इसमें देखिए कि आपको जो उद्देश्य बताने वाला सेंटेंस था उसी सेंटेंस को हम लोगों ने इसमें इन्फिनिटिव में चेंज किया है। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग
तो एग्जाम्पल है ही वेंट टू आगरा और उसके बाद ही वॉन्टेड टू सी द ताज। अब इसमें देखिए कि उद्देश्य कौन सा सेंटेंस बता रहा है, तो उद्देश्य हमारा जो ही वेंट टू आगरा, ये इसका जो रीजन है कि आगरा गया है, आगरा जाने का क्या उद्देश्य था, तो इसमें दूसरा सेंटेंस में ही वॉन्टेड टू सी द ताज, ये इसका उद्देश्य बता रहा है। इसको जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा ही वेंट टू आगरा और फिर हो जाएगा टू सी द ताज ही वॉन्टेड, इसको हटा देंगे, वॉन्टेड जैसे शब्द है इनको हटा देंगे, अब टू सी द ताज। क्लियर, उम्मीद है कि ये पहला रूल आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग इसके अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि ऐसे सेंटेंस के बारे में खूबी क्वालिटी होती है कि ऐसे सेंटेंस में अगर हम लोगों को एम मिल रहा है, विश मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, डिजायर मिल रहा है, तो ऐसे वर्ड्स को या वांटेड मिल रहा है, वांट मिल रहा है, इन सबको हम लोग हटा देते हैं, इसको हम लोग नहीं रहने देते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस में, ऐसे इस टाइप के सेंटेंस में अगर उद्देश्य प्रकट करने वाले जो सेंटेंस है उसमें ये वर्ड एम, विश, डिजायर, वांट, ये सब कुछ मिल रहा है, तो उसको हम लोग वहां से हटा देते हैं और उसकी मेन वर्ब को ही हम लोग इन्फिनिटिव बना के वहां पे ऐड कर देते हैं। क्लियर, तो चलिए इसको कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये और इसी से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे देखिए कि आपको मैंने लिख दिया कि ऐसे सेंटेंस में यदि उद्देश्य प्रकट करने वाले सेंटेंस में एम, विश, ऑब्जेक्ट, डिजायर, वांट इत्यादि शब्द ऐसे शब्द अगर आ रहे हो तो उनको हम लोग हटा देते हैं। जैसे तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, जो एग्जांपल हमारा है कि माय हाउस एंड गुड्स वर सोल्ड, आई विश्ड पेइंग माय डेब्ट्स, तो इसको जब कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा माय हाउस एंड गुड्स वर सोल्ड टू पे माय डेब्ट्स। क्लियर, कुछ ऐसे सेंटेंस हमको मिल जाएगा इसे कहां पे हमने आपको बताया कि इसमें ऐसे वर्ड जो आपको दिखाई दे, ये वाले वर्ड, तो इनको आप हटा देते। तो यहाँ पे देखिए विश दिखाई दे रहा था, विश को हमने पूरी तरह से हटा दिया और पे इनको बना दिया टू पे। क्लियर, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले लिखा था कि आई वेंट टू दिल्ली, आई वॉन्टेड टू गेट अ जॉब। यहाँ पे देखिए कि ऐसे सेंटेंस आपको मिल गया, आई वेंट टू दिल्ली, में दिल्ली गया, आई वॉन्टेड टू गेट ए जॉब, मैं वहां पे एक नौकरी चाहता था, तो इसको जब यहाँ पे आप कंबाइन करेंगे तो यहाँ देखिए वॉन्टेड को आप हटा देंगे तो करेंगे आई वेंट टू दिल्ली टू गेट अ जॉब। क्लियर, इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर सेंटेंस में कहीं पे एम, विश, डिजायर, ऑब्जेक्ट या वांट ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो आपको इनको उद्देश्य प्रकट करने वाले वाक्यों के बीच से हटा देना है और सेंटेंस में उसके उसके बाद वाली वर्ब को हमें इन्फिनिटिव बना के बाकी सेंटेंस को कंबाइन कर देना रहेगा। क्लियर, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे रूल पर बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आ जाते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस की तरफ। दूसरे टाइप का सेंटेंस है कि अगर दो सेंटेंस ऐसे आपको दिखाई दे रहे हो जिसमें एक का एक सेंटेंस में आपको असमर्थता दिखाई दी जा रही हो, मतलब जिसमें बताया जा रहा है कि वो कार्य नहीं कर सकता, तो असमर्थता सूचक वाक्य की वर्ब को हम लोग इन्फिनिटिव में बदल लेंगे। लेकिन उसके पहले जो सेंटेंस आएगा उसमें हम लोगों को वेरी दिखाई देगा, उस वेरी को हम लोग हटा देंगे और वहां पे टू का प्रयोग कर देंगे, ये टू का प्रयोग कर देंगे और दूसरे वाक्य की असमर्थता सूचक जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में से सबको हटा के उसकी वर्ब को इन्फिनिटिव बना के सेंटेंस को हम लोग जोड़ लेंगे। तो चलिए ये रूल आपके मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर इसके एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और से समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ देखिए कि ये रूल आपके सामने आ गया है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि सेंटेंस दो सेंटेंस ऐसे मिल रहे हैं जिसमें एक सेंटेंस में आपको वेरी लगा हुआ दिखाई दे रहा है परंतु दूसरा सेंटेंस असमर्थता सूचक बता रहा है, असमर्थता सूचक है, तो पहले हम लोग वेरी को हटा के वहां पे टू का प्रयोग कर लेंगे और दूसरे सेंटेंस की वर्ब को हम लोग इन्फिनिटिव में चेंज कर लेंगे। क्लियर, लेकिन यदि वहीं पर दूसरा सेंटेंस हमको समर्थता सूचक मिल रहा है, यानी दूसरे सेंटेंस में ऐसे बताया जा रहा है कि इसमें सामर्थ्य है कार्य करने का, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेंटेंस से वेरी या मत जो कुछ लगा हो उसे हम लोग हटा देंगे और जो उसमें एडजेक्टिव लगी होगी एडजेक्टिव के बाद हम लोग एनएफ का प्रयोग कर देंगे और दूसरा सेंटेंस जो समर्थता सूचक होगा
उसकी वर्ब को हम लोग इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप लोग, जैसे हो गया कि ही इज वेरी पुअर, यहां पे हो गया ही कैन नॉट परचेज अ कार। यहां पे देखिए कि एक सेंटेंस में आपको वेरी दिख रहा, दूसरा सेंटेंस आपको असमर्थता सूचक दिख रहा, तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग वेरी हटाएंगे और क्या बताया वेरी हटाकर हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। तो लिखा ही इज टू पुअर और फिर दूसरे को हम लोग इन्फिनिटिव में चेंज, तो यहां पे इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे पूरा ही हटा देंगे और यहां पे लिख दिया टू परचेज अ कार। क्लियर कि ही इज टू पुअर टू परचेज अ कार। या फिर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे यहां पे कर दिया हमने ही इज वेरी रिच, ही इज वेरी रिच, यहां पे ही कैन फीड यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहां पे देखिए दूसरा सेंटेंस समर्थता सूचक है कि ही इज वेरी रिच ही कैन फीड यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो हमने क्या बताया था इसमें से वेरी हटा देंगे, वेरी या जो कुछ होगा उसे हटा देंगे, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास ही इज रिच, ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में क्या बताया था एनएफ का यूज करेंगे, एनएफ लगा दिया हमने और उसके बाद यहां पे हम लोग ही कैन को पूरी तरह से हटा देंगे और इसकी वर्ब को हम लोग इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे टू फीड यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्लियर, तो उम्मीद है कि ये जो रूल है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है, उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो इन्फिनिटिव का यूज करके आपको सेंटेंस को कंबाइन करना सिखाया है वो आपने अच्छे सीख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अगर आपको सेंटेंस को कंबाइन करते समय कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है या कुछ भी रूल आपको समझ में नहीं आता है तो आप सीधे मेरे कमेंट बॉक्स में आइए, अपने क्वेश्चन को छोड़िए, अपनी क्वेरी को छोड़िए, निश्चित ही मैं आपको उस क्वेरी का जवाब दूंगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को सबको शेयर कर दीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बगल वाली घंटी भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सुबह से रोज 7:30 बजे आपके मोबाइल पर घंटी बजेगी जिससे कि आपको आपका वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।